नमस्कार आदरणीय शिक्षक बंधुओं और प्यारे बच्चों, आज की रसायन शास्त्र की वर्चुअल क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं रत्ना वाधवानी आपके साथ हूँ। आज हम विद्युत रसायन के बारे में देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न आते हैं और कैसे उनका उत्तर लिखना चाहिए, क्योंकि बच्चों अभी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोर्स आपका पूरा हो चुका है, आप अभ्यास करते जा रहे हैं, तो परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए विद्युत रसायन की जो यूनिट है उसमें हम किस प्रकार से तैयारी करें कि हमें पूरे पूरे अंक प्राप्त हो। तो हम देख लेते हैं इस यूनिट को विद्युत रसायन की। तो विद्युत रसायन की जो यूनिट है उसमें अंक 6 इस के लिए आवंटित है। अंक 6 के प्रश्न इसमें से आते हैं। अब अंक 6 में से किस तरह के प्रश्न आएंगे, तो उसमें एक तो आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक नंबर का और एक आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर का। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बार बार पिछली कक्षाओं में बताया है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तैयारी करने के लिए हमें पूरे पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है कहीं से भी आ सकता है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न किसी भी प्रकार का हो सकता है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, रिक्त स्थान, सही विकल्प चुनिए, सही जोड़ी बनाइए, सत्य असत्य लिखिए, किसी भी प्रकार से आ सकता है। तो आप जब इस पाठ की तैयारी करेंगे तो जो मुख्य मुख्य इस पाठ के बिंदु हैं उन्हें बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, ताकि वस्तुनिष्ठ किसी भी प्रकार का आए, कहीं से भी आए, तो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न बिल्कुल सही हो। तो हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके बाद हम देखेंगे कि इस इकाई में से जो 5 अंक के प्रश्न हैं वो किस प्रकार के हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सबसे पहले अगर हम देखें तो ये पूछा जा सकता है कि विद्युत विभव की इकाई क्या है। बच्चों नोट करते चलिए, अपनी कॉपी उठाइए, कॉपी में पेन से लिखते चलिए। बेटा कॉपी उठाइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो बच्चों आप लोग कॉपी पेन उठा लीजिए, क्योंकि ये सारे वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप नोट करेंगे तो जब आप तैयारी करेंगे तो तैयारी में आप इनको एक साथ देख सकते हो। तो सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप एक साथ लिखते चलिए। तो सबसे पहले लिखिए कि विद्युत विभव की इकाई क्या है। लिखिए बेटा खरगोन से, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, लिखिए खरगोन से। बेटा कॉपी पेन उठाइए और लिखते चलिए, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जब आप परीक्षा के समय तैयारी करेंगे तो फटाफट इन प्रश्नों को आपको पुस्तक में ढूंढना नहीं पड़ेगा और इन प्रश्नों की तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। तो लिखिए, कॉपी उठाइए और पेन से प्रश्न लिखते चलिए और उनके उत्तर लिखते चलिए। लिखिए सबसे पहला प्रश्न, लिखिए विद्युत विभव की इकाई क्या है। विद्युत विभव की इकाई क्या है, छिंदवाड़ा से बेटा लिखते चलिए। विद्युत विभव की इकाई क्या है, इसका उत्तर होगा वोल्ट। विद्युत विभव जो रहता है उसकी इकाई है वोल्ट। जब हम विद्युत विभव का नाम को नापते हैं तो उसके पीछे हम वोल्ट लगाते हैं, अर्थात विद्युत विभव की इकाई है वोल्ट। तो आपका पहला प्रश्न हो गया कि विद्युत विभव की इकाई क्या है, तो विद्युत विभव की इकाई है वोल्ट। अब दूसरा प्रश्न लिखिए, प्रश्न लिखते चलिए, क्योंकि मैं अंत में आपसे पूछूंगी कि कौन कौन से प्रश्न आपने लिखे और मैं उन प्रश्नों के उत्तर आपसे पूछूंगी। अगर आपकी कॉपी में नहीं लिखे होंगे तो आप अच्छे से उनका उत्तर नहीं दे पाएंगे। और अभी मैं महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लिखा रही हूँ, तो आपको क्या है, परीक्षा में सिर्फ इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लोगे, पूरी किताब आपको पलटनी नहीं पड़ेगी। दूसरा प्रश्न लिखिए, अमीटर अमीटर के द्वारा क्या नापा जाता है। लिखिए लिखिए बेटा, अमीटर के द्वारा क्या नापा जाता है। अमीटर के द्वारा नापते हैं विद्युत धारा। अमीटर के द्वारा नापते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा मापन के लिए अमीटर का उपयोग करते हैं।
इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि विद्युत धारा नापने के लिए खाली स्थान यंत्र का उपयोग करते हैं तो वहां पर आपको अमीटर भरना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रश्न एक शब्द या वाक्य में उत्तर दो भी आ सकता है, रिक्त स्थान भी आ सकता है, सही विकल्प भी आ सकता है, सत्य असत्य भी आ सकता है, सही जोड़ी बनाइए भी आ सकता है। तो विद्युत धारा मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? अमीटर। आंसर लिख लीजिए अमीटर। लिखते चलिए लिखते चलिए। इसके बाद प्रतिरोध का मात्रक क्या है? अगला प्रश्न, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध को जब हम नापते हैं तो मात्रक क्या लिखते हैं, पीछे उसकी इकाई क्या लिखते हैं? तो प्रतिरोध का मात्रक है ओम। इसका आंसर लिखिए ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। खाली स्थान में भी आ सकता है कि प्रतिरोध का मात्रक खाली स्थान है, तो वहां पर आप ओम भर सकते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। अगला प्रश्न लिखिए कि शुद्ध जल जो है वह विद्युत के प्रति कैसा व्यवहार दर्शाता है? शुद्ध जल लिखिए लिखिए, लिखते चलिए। लिखेंगे नहीं तो फिर बाद में कितने पेज पलटोगे और कहाँ कहाँ ढूंढोगे आप? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिखिए। शुद्ध जल विद्युत के प्रति कैसा व्यवहार दर्शाता है? शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। यदि हम शुद्ध जल ले लें, उसमें विद्युत प्रवाहित करें, तो कभी भी उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होगी। आप अगर आप सोचते हो कि पानी में विद्युत प्रवाहित हो जाती है, हमको करंट लगता है, तो हमारे घरों में जो पानी रहता है उसमें तो लवण घुले रहते हैं, तो वह बिल्कुल शुद्ध नहीं रहता है, इसीलिए उसमें विद्युत प्रवाहित हो जाती है। परंतु आप बिल्कुल शुद्ध जल लेंगे जिसमें कोई भी लवण नहीं घुला हो, तो उस शुद्ध जल को यदि आप विद्युत प्रवाहित करके देखोगे तो वह विद्युत का कुचालक होता है, उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती। तो शुद्ध जल कैसा होता है? विद्युत का कुचालक। विद्युत का कुचालक, नोट करिए, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई। अगला प्रश्न लिखिए, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई है ओम मीटर। विद्युत प्रतिरोध की इकाई है ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध की, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है ओम मीटर। प्रतिरोध की थी ओम और विशिष्ट प्रतिरोध की है ओम मीटर। ये आपके कुछ प्रश्न हो गए। और प्रश्न बताती हूँ मैं आपको। अब आपने विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई लिखी ओम मीटर। नोट किया आपने, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का जब हम विलोम करते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं, तो वो हो जाती है विशिष्ट चालकता। प्रतिरोध मतलब जो धारा के मार्ग में वो रुकावट डाले, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। और चालकता मतलब जो धारा को बहने दे। तो दोनों क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। प्रतिरोध रुकावट डालेगा और चालकता जो है वो बहने देगी। तो यदि हम विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम कर देते हैं तो वो हो जाती है विशिष्ट चालकता। और यदि हमने विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम कर दिया तो अगर हमसे अब विशिष्ट चालकता का मात्रक पूछा जाएगा तो मात्रक का भी हम विलोम कर देंगे। जब हम मात्रक का विलोम कर देंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम मीटर। अब आप इसका विलोम कर दो तो आपका हो जाएगा ओम माइनस वन, सेंटीमीटर माइनस वन या मीटर माइनस वन। यदि आप लंबाई को मीटर में ले रहे हो जाएगा ओम माइनस वन, मीटर माइनस वन। और यदि आप लंबाई को सेंटीमीटर में ले रहे हो जाएगा ओम माइनस वन, सेंटीमीटर माइनस वन। तो विशिष्ट चालकता की इकाई यदि सही विकल्प में चुनने के लिए आए, ओम माइनस वन सेंटीमीटर माइनस वन लिखा हो या ओम माइनस वन मीटर माइनस वन लिखा हो, तो वो सही है। क्योंकि ओम माइनस वन सेंटीमीटर माइनस वन है आपकी सीजीएस पद्धति में। आपकी पद्धतियां हैं ना नापने की, एक है आपकी सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाता है। तो सीजीएस पद्धति में विशिष्ट चालकता की
इकाई होगी ओम माइनस वन, सेंटीमीटर माइनस वन। परंतु यदि आप एसआई पद्धति या इंटरनेशनल पद्धति या एमकेएस पद्धति देखोगे तो इसका मात्रक होगा ओम माइनस वन मीटर माइनस वन। तो विशिष्ट चालकता की इकाई आप दोनों पद्धतियों में लिख लीजिए। हो सकता है सही विकल्प में आपको सीजीएस पद्धति में विकल्प दिया हो या एसआई पद्धति में दिया हो। तो यदि आप दोनों तैयार कर लेंगे तो आपको वहां पर कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप दोनों तैयार रखिए कि विशिष्ट चालकता की इकाई सीजीएस पद्धति में है ओम माइनस वन सेंटीमीटर माइनस वन, क्योंकि सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाता है और एसआई पद्धति में इसका मात्रक है ओम माइनस वन मीटर माइनस वन, क्योंकि एसआई पद्धति में आपकी लंबाई को मीटर में नापा जाता है। तो इस तरह से आप ये वाला सही विकल्प में आए, एक शब्द में आए, एक शब्द में आपको अलग अलग पद्धतियों में पूछा जा सकता है, खाली स्थान में आए या सही जोड़े में आए या आपके सत्य सत्य में आए। यदि दोनों पद्धतियों में आपको मात्रक पता होगा तो आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हो। तो नोट कर लीजिए, विशिष्ट चालकता की इकाई है ओम, आंसर लिखिए ओम माइनस वन सेंटीमीटर माइनस वन या ओम माइनस वन मीटर माइनस वन। अब यदि आपसे चालकता का एसआई पद्धति में मात्रक पूछा जाए कि चालकता का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है, तो चालकता का एसआई पद्धति में मात्रक है सीमेंस। सीमेंस नोट करिए, नोट करिए बेटा, चालक एसआई मात्रक है सीमेंस। आंसर लिखिए सीमेंस, सीमेंस। अगला लिखिए आप मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल में विभव का मान, विभव का मान कितना होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल में विभव का मान कितना होता है। यदि हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल में विभव देखें तो विभव होता है 0.0 वोल्ट, विभव होता है आपका 0.0 वोल्ट। तो आप इस तरह से ये आंसर लिख लीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मानक माना जाता है 0.0 वोल्ट। विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपने देखा है बीच में हाइड्रोजन रहता है 0.0 वोल्ट, ऊपर जिसका अपचयन विभव ज्यादा है वो धातुएं या तत्व रहते हैं और नीचे जिनका अपचयन विभव कम है वो रहते हैं। इसके बाद लोहे में जंग लगना, अगला आंसर, अगला प्रश्न लिखिए लोहे में जंग लगना किस क्रिया का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना किस क्रिया का उदाहरण है। तो लोहे में जो जंग लगती है वो संक्षारण का उदाहरण है। हमने संक्षारण पढ़ा है कि यदि हम धातुओं को वायु और नमी की उपस्थिति में खुला छोड़ दें तो धातुओं की जो चमक होती है वह धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। यह क्रिया संक्षारण कहलाती है। यह हमने संक्षारण के बारे में पढ़ा है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि लोहे में जंग लगना, लोहे को आप देखते हो, आपने देखा भी होगा कि जब हम मार्केट से लोहे की वस्तु या लोहे की छोटी छोटी कीलें नई लाते हैं तो वो चमकदार रहती है, परंतु यदि हम उनको कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ दें और यदि वो पानी और नमी के संपर्क में और वायु के संपर्क में आती हैं तो आप देखते हो कि उन कीलों पर या लोहे की वस्तुओं पर हल्की भूरी रंग की परत जमा हो जाती है, जिसे आप साधारण भाषा में जंग कहते हो। तो लोहे में जो ये जंग लग रही है उसकी वजह से आप देखते हो कि लोहे की जो वास्तविक चमक थी, पहले चमकती हुई थी कीले और चीजें, वो अब धीरे धीरे नष्ट हो गई और उसके ऊपर एक भूरी परत जमा हो गई। तो इसको कहते हैं लोहे में जंग लगना। और यह जो क्रिया हुई जिसमें धातु की जो वास्तविक चमक थी वो नष्ट हो गई, तो यह क्रिया कहलाती है संक्षारण। तो यह किसका उदाहरण है, संक्षारण का।
ये नोट कर लीजिए, या आपसे पूछा जा सकता है कि संचारण की क्रिया का एक उदाहरण बताइए, तो संचारण की क्रिया का उदाहरण आप दे सकते हैं लोहे में जंग लगना। तो इस तरह से नोट करिए, नोट करिए बेटा, छिंदवाड़ा से नोट करिए कॉपी में, मंदसौर से नोट करिए, नोट करिए। इतना समझ में आ गया? आप लोगों ने नोट कर लिया? यदि समझ में आ गया है, नोट कर लिया है, तो हाथ ऊंचे करके मुझे बता दीजिए। आ गया है आप लोगों को? आ गया है, नोट कर लिया है? तो हम आगे बढ़े, हम कुछ और देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ, जब वस्तुनिष्ठ देख लेंगे फिर हम पांच पांच अंक के प्रश्न देखेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारी परीक्षा की तैयारी हो जाएगी, वस्तुनिष्ठ की तैयारी भी हो जाएगी और हमारी इसकी तैयारी हो जाएगी, पांच नंबर के प्रश्नों की तैयारी भी हो जाएगी। अब आपने नष्ट समीकरण पढ़ा होगा, तो नष्ट समीकरण क्या है? ऐसा एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखने के लिए आता है, तो आप प्रश्न लिखिए, नष्ट समीकरण क्या है? नष्ट समीकरण क्या है, अब इसका उत्तर लिखिए। अभी आपने प्रश्न लिखा नष्ट समीकरण क्या है, क्योंकि एक शब्द या वाक्य में आता है उत्तर लिखने के लिए। अब एक वाक्य में आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? लिखिए, किसी इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव, किसी इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसी इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव नष्ट समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। आप इसको अपनी भाषा में दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव जिस समीकरण से ज्ञात करते हैं उसे नष्ट समीकरण कहते हैं, उसे नष्ट समीकरण कहते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम विशिष्ट चालकता कहलाती है, ऐसे ही प्रतिरोध का व्युत्क्रम या प्रतिरोध का विलोम क्या कहलाता है? चालकता। तो अगला प्रश्न लिखिए, लिखिए प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम या विलोम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम या विलोम क्या कहलाता है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम या विलोम क्या कहलाता है? प्रतिरोध, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो धारा के मार्ग में रुकावट डाले, और चालकता जो धारा को बहने दे। तो रुकावट और चालकता एक दूसरे के विपरीत है, इसीलिए इसका उत्तर होगा चालकता। चालकता उत्तर लिखिए, इसका उत्तर होगा चालकता। प्रतिरोध का व्युत्क्रम या विलोम क्या कहलाता है? उत्तर होगा चालकता। चालकता। अब अगला प्रश्न लिखिए, किसी चालक के एक घन सेंटीमीटर की, किसी चालक के एक घन सेंटीमीटर की चालकता क्या कहलाती है? किसी चालक के एक घन सेंटीमीटर की चालकता क्या कहलाती है? यह आपकी विशिष्ट चालकता की परिभाषा है, तो आपका उत्तर होगा विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता हम किसे कहते हैं? किसी चालक के एक घन सेंटीमीटर की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। तो यही आपसे पूछा गया है, तो आप आंसर लिखेंगे विशिष्ट चालकता। अगला प्रश्न लिखिए, एक फेराडे विद्युत का मान कितना होता है? ये आपको कूलाम में बताना है, इसमें संबंध आता है, फेराडे और कूलाम में संबंध। एक फेराडे विद्युत का मान, आपका खालिस्तान में भी आ सकता है, एक फेराडे विद्युत का मान, यदि खालिस्तान में प्रश्न आया तो इस तरह से आएगा, एक फेराडे विद्युत का मान खालिस्तान कूलाम होता है, खालिस्तान कूलाम होता है। तो वहां पर आप आंसर लिखेंगे, उत्तर लिखिए 96500 कूलाम। तो एक फेराडे विद्युत बराबर होता है 96500 कूलाम। इन दोनों का ये संबंध है। तो इतना आपने नोट कर लिया,
सभी ने नोट कर लिया? यदि नोट कर लिया है और समझ में आ गया है और अभी इसमें कुछ नहीं पूछना है तो हाथ ऊंचे करिए। आ गया है सभी को? सभी नोट करते जा रहे हैं? हाँ, थैंक यू बेटा। अब हम आगे बढ़े तो आगे हम कुछ प्रश्न और देख लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, ताकि एक एक करके हमारी तैयारी भी होती जाए और जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत माइक लेकर आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि अभी अगर डाउट रह जाएंगे तो परीक्षा में आप तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न लिखिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किस सेल के द्वारा बदला जाता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किस सेल के द्वारा बदला जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जब हम बदलते हैं तो उस सेल का नाम है, उत्तर लिखिए, गैल्वानिक सेल। अब इस गैल्वानिक सेल का एक और नाम भी है, वो भी नोट कर लीजिए। वो नाम है विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वानिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल। यदि आपका प्रश्न इस तरह से आ गया कि विद्युत रासायनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को खाली स्थान ऊर्जा में बदलता है, तो आप वहां पर विद्युत भर देंगे। मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले उसे कहते हैं गैल्वानिक सेल, या उसे कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल, या उसे कहते हैं वोल्टीय सेल। इसका एक और नाम लिखिए, वोल्टीय सेल। इसे हम वोल्टीय सेल भी कहते हैं। यदि आपका सही जोड़े में आ गया वोल्टीय सेल और दूसरी तरफ आया कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, तो आपका सही जोड़ा वोल्टीय सेल के साथ बनेगा कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। अच्छा, अगर इसकी जगह आपका नाम आ गया डेनियल सेल, क्योंकि गैल्वानिक सेल का एक उदाहरण है डेनियल सेल, तो डेनियल सेल भी यही काम करेगा। तो किसी भी प्रकार से आ जाए प्रश्न, आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। डेनियल सेल भी क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो अब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए आपके पास चार नाम हो गए। आंसर में आप चार नाम लिखिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। कौन करता है ये काम? पहला नाम लिखिए आंसर में, गैल्वानिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल या वोल्टीय सेल या वोल्टीय सेल या डेनियल सेल या डेनियल सेल। अब किसी भी प्रकार से ये आ जाए क्वेश्चन, आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, अब यदि हम इसका उल्टा कर दें तो हमारा दूसरा प्रश्न बन जाएगा। तो अब अगला प्रश्न लिखिए। अगला प्रश्न आपका होगा कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। लिखिए अगला प्रश्न, लिखिए, नोट करिए। आपका अगला प्रश्न होगा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। अब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो वो रहता है, इसका उत्तर लिखिए, विद्युत अपघटनी सेल। क्योंकि जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो अपघटन होता है और विद्युत ऊर्जा बदल जाती है रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका आंसर क्या होगा? विद्युत अपघटनी सेल। जब आपने सेल पढ़े हैं तो सेल में आपने देखा है दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि एनोड पर कौन सी क्रिया हो रही है, कैथोड पर कौन सी क्रिया हो रही है। क्योंकि विद्युत रसायन में हमने पढ़ा है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स मतलब जहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं।
इलेक्ट्रोड है तो एक इलेक्ट्रोड पर हो रहा होगा ऑक्सीकरण और एक इलेक्ट्रोड पर हो रहा होगा अपचयन। तो यही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि दो इलेक्ट्रोड हैं आपके पास, एक है एनोड और एक है कैथोड, तो एनोड पर कौन सी क्रिया होती है और कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है। तो आप नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न लिखिए, एनोड पर खाली स्थान क्रिया होती है, एनोड पर लिखिए लिखिए नोट करिए, एनोड पर खाली स्थान क्रिया होती है। इसका आंसर लिखिए ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। इसका उल्टा प्रश्न भी आ सकता है कि ऑक्सीकरण क्रिया किस इलेक्ट्रोड पर होती है। यदि उल्टा आ गया कि ऑक्सीकरण क्रिया किस इलेक्ट्रोड पर होती है, तो आपका आंसर होगा एनोड। अब एनोड के विपरीत अब दूसरा इलेक्ट्रोड ले लीजिए, दूसरा इलेक्ट्रोड है आपका, अगला प्रश्न बन जाएगा आपका, लिखिए कैथोड पर खाली स्थान क्रिया होती है। नोट करिए बेटा, मंदसौर से नोट करिए, बैग बंद करके मत बैठिए, नोट करिए, नहीं तो परीक्षा की तैयारी आप कैसे करेंगे। लिखिए कैथोड पर खाली स्थान की क्रिया होती है, तो कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है, अपचयन की। तो आंसर लिखिए अपचयन, आंसर नोट करिए अपचयन, नोट करते चलिए। नोट नहीं करेंगे तो बाद में आपको दिक्कत आएगी, इतने सारे प्रश्न आप कहाँ से ढूंढते फिरेंगे बुक में से। तो अभी आप सारे प्रश्न आपके पास रहेंगे तो आसानी से आप, तो एनोड पर हो गई ऑक्सीकरण और कैथोड पर हो गई अपचयन। सभी ने नोट कर लिया, नोट करते चलिए, कर लिया सभी ने नोट। अब हम आगे देखते हैं, आगे और प्रश्न देखते हैं। आगे यदि हम और प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न जो आता है आपका परीक्षा में कि तांबे के जो बर्तन हैं नीले हरे हो जाते हैं तो वो किसके कारण होते हैं, ऐसा प्रश्न आता है परीक्षा में। नोट करिए, तांबे के बर्तन नीले हरे होना, तांबे के बर्तन नीले हरे होना किस क्रिया का उदाहरण है। तांबे के बर्तन, नोट करिए, तांबे के बर्तन, लिखिए, लिखने का अभ्यास करिए, तांबे के बर्तन नीले हरे होना किस क्रिया का उदाहरण है। तांबे के बर्तन जब हम बाजार से लाते हैं तो आप देखते हो कितने चमकदार रहते हैं, और लगातार पानी और नमी और वायु के संपर्क में जब होते हैं तो आप देखते हो कि उनकी सतह पर नीला हरा रंग आ जाता है, नीली हरी परत जमा हो जाती है। तो ये अभी जैसे मैंने आपको बताया कि धातुओं को वायु और नमी में खुला छोड़ने पर उनकी वास्तविक चमक नष्ट हो जाती है और उनकी सतह धीरे धीरे मलिन पड़ने लगती है, तो यही क्रिया यहाँ पर हो रही है और इसे हम कहते हैं संक्षारण। तो इसका आंसर लिखिए संक्षारण, इसका उत्तर लिखिए संक्षारण के कारण तांबे के बर्तन जो है वो नीले हरे पड़ जाते हैं। इसके बाद हम मात्रकों की बात करते हैं, मात्रक पूछे जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में। अभी कुछ मात्रक हमने देख लिए थे, हमने देखा था विद्युत विभव का मात्रक जो कि वोल्ट है, हमने देखा था प्रतिरोध का मात्रक जो कि ओम है, उसके बाद हमने देखा था चालकता का मात्रक एसआई पद्धति में जो कि सीमेंस है, उसके बाद हमने देखा था विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, उसके बाद हमने देखा विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम माइनस वन सेंटीमीटर माइनस वन, और यदि एसआई पद्धति में पूछा जाए तो ओम माइनस वन मीटर माइनस वन। इतने मात्रक आपने पढ़े और नोट किए, अब कुछ मात्रक और पढ़ लेते हैं। अगला मात्रक लिखिए तुल्यांकी चालकता का मात्रक, तुल्यांकी चालकता का मात्रक लिखिए, नोट करिए ओम माइनस वन, तुल्यांकी चालकता का मात्रक है ओम माइनस वन सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक माइनस वन, तुल्यांकी चालकता है ना, तो ओम माइनस वन सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक माइनस वन, ये हो गया आपका तुल्यांकी चालकता का मात्रक।
अभी मैंने आपको जंग लगना बताया था कि लोहे को खुला छोड़ने पर उसके ऊपर भूरे रंग की परत जमा हो जाती है, जिसे हम जंग लगना कहते हैं। तो वो तो हमने देखा था संक्षारण क्रिया का उदाहरण। अब यदि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? तो अब अगला प्रश्न लिखिए, लिखिए जंग का रासायनिक सूत्र बताइए, जंग का रासायनिक सूत्र बताइए। जंग का रासायनिक सूत्र है आपका Fe2O3 डॉट XH2O, Fe2O3 डॉट XH2O। क्योंकि आपको अभी मैंने बताया कि जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। अगर हम धातु को वायु और नमी में खुला छोड़ दें, तो उसके ऊपर एक परत जमा हो जाती है। चूंकि हमने वायु और नमी में खुला छोड़ा है, इसीलिए ऑक्साइड की नमी युक्त परत जमा हो गई, लोहे का ऑक्साइड बन गया और नमी उसके साथ जुड़ गई और बन गई जंग। तो जंग का सूत्र हो गया Fe2O3 डॉट XH2O। यहाँ पर हमने X इसलिए लिखा है क्योंकि नमी की मात्रा निश्चित नहीं होती है, तो इसीलिए हम लिखते हैं XH2O। तो जंग का रासायनिक सूत्र हो गया Fe2O3 डॉट XH2O। इसके बाद अगला प्रश्न लिखिए, सेल के विद्युत वाहक बल को किससे या किस उपकरण से नापा जाता है, किस उपकरण से नापा जाता है? सेल के विद्युत वाहक बल को कि कितना विद्युत वाहक बल है, कितनी धारा हम उसमें से ले सकते हैं, कितने वोल्ट का हम विभवांतर ले सकते हैं, इसको नापा जाता है विभवमापी से। तो उस उपकरण का नाम क्या है? विभवमापी। उत्तर लिखिए विभवमापी। विभवमापी नोट करिए मन शोर से, आगे बैठे हैं बच्चे, नोट करिए, नोट करते चलिए, सारे प्रश्न नोट करिए, तो आपको परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नोट करिए, सिर्फ सुनने से लाभ नहीं होगा, आपको नोट भी करना पड़ेगा, ताकि जब आप रिवीजन करें तो फटाफट इनका आप रिवीजन कर सकते हैं। इतने प्रश्न आपके हो गए। अब अगला प्रश्न, अभी हम ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, यदि हम इलेक्ट्रॉन के रूप में देखें कि ऑक्सीकरण है क्या वास्तव में, इलेक्ट्रॉनिक रूप में देखें, तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना कहलाता है ऑक्सीकरण। तो अब प्रश्न लिखिए, इलेक्ट्रॉन त्यागना कौन सी क्रिया है, इलेक्ट्रॉन त्यागना कौन सी क्रिया है? आंसर लिखिए ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण वह क्रिया होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। तो इस तरह से आपका रिक्त स्थान में भी प्रश्न आ सकता है कि ऑक्सीकरण वह क्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन फिर खाली स्थान जाते हैं, तो वहां आप लिखेंगे त्यागे जाते हैं। जहां पर भी इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे वह होगा ऑक्सीकरण। और अभी हमने लिखा कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, अर्थात एनोड पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। तो एनोड पर इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं? त्यागे जाते हैं। तो ये भी नोट कर लीजिए कि एनोड पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। अब इसका विपरीत करिए, एक तो इलेक्ट्रॉन त्यागना और इसका आप विपरीत करेंगे तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो अब आपका अगला प्रश्न आ जाएगा। अगला प्रश्न लिखिए, इलेक्ट्रॉन लिखिए प्रश्न लिखिए इलेक्ट्रॉन किस क्रिया में ग्रहण किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन किस क्रिया में ग्रहण किए जाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन कौन सी क्रिया में ग्रहण किए जाते हैं? अपचयन में। अपचयन, आंसर लिखिए अपचयन। इसका उत्तर होगा आपका अपचयन। इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अपचयन क्रिया में इलेक्ट्रॉन खाली स्थान किए जाते हैं, तो ग्रहण किए जाते हैं। अपचयन वह क्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो आपका ऑक्सीकरण भी हो गया, अपचयन भी हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है। तो आप प्रश्न लिखिए, लिखिए ये एक शब्द या वाक्य वाला प्रश्न है, लिखिए प्रबल विद्युत अपघट्य
क्या है? प्रश्न लिखिए, प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है? इसका उत्तर लिखिए, वह अपघट्य जिसका प्रत्येक सांद्रता पर वह अपघट्य जिसका प्रत्येक सांद्रता पर पूर्ण आयनन होता है, पूरी पूरी तरह से वो आयनित हो जाता है प्रत्येक सांद्रता पर, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाता है। वह विद्युत अपघट्य जिसका प्रत्येक सांद्रता पर पूर्ण आयनन होता है, पूरी तरह से वह आयनित हो जाता है, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाता है, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाता है। अब इसी का विपरीत होगा आपका अगला प्रश्न, दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है? लिखिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्य, जैसा आपने लिखा प्रबल विद्युत अपघट्य का पूरा आयनन हो जाता है, तो दुर्बल का पूरा आयनन नहीं होगा। तो इसका उत्तर लिखिए, वह विद्युत अपघट्य जिसका पूर्ण आयनन नहीं होता, वह विद्युत अपघट्य जिसका पूर्ण आयनन नहीं होता, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाता है। तो इस तरह से आप प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य को बता सकते हो। अभी मैंने आपको तुल्यांकी चालकता की इकाई लिखवाई थी, उसी से संबंधित एक चालकता और है, आणविक चालकता। तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता दोनों की इकाई लगभग समान है, थोड़ा सा अंतर है। देखिए कैसा अंतर है, तो आप पहले प्रश्न लिखिए, आणविक चालकता की इकाई क्या है? आणविक चालकता की इकाई क्या है? अब आप अपनी तुल्यांकी चालकता की इकाई देखिए, उसी से हम आणविक चालकता की बनाएंगे। तुल्यांकी चालकता में देखिए, आपने लिखा था ओम माइनस वन, तो यहाँ पर भी आएगा ओम माइनस वन। फिर आप लिखा था, तो यहाँ पर भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। वहां चूंकि तुल्यांकी चालकता थी, विलयन में तुल्यांक भार घुला हुआ था, इसीलिए आपने लिखा था तुल्यांक माइनस वन। परंतु यहाँ पर आणविक चालकता है, यहाँ पर अणु घुले हैं, मोल घुले हैं, इसीलिए आएगा मोल माइनस वन। तो आणविक चालकता माइनस वन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस वन। लिखिए उत्तर, लिखिए ओम माइनस वन, लिखिए ओम माइनस वन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस वन। और तुल्यांकी चालकता में आपने लिखा था ओम माइनस वन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस वन। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने देखे। अब हम देखेंगे फुल क्वेश्चंस, जो आपके पूरे 5 अंक के प्रश्न आते हैं। तो 5 अंक के प्रश्नों में आप कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण लिख लीजिए। जैसे पहला प्रश्न लिखिए, विद्युत रासायनिक सेल क्या है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि विद्युत रासायनिक सेल का दूसरा नाम है गैल्वानी सेल, इसका एक और नाम है वोल्टीय सेल, इसका एक और उदाहरण है डेनियल सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल क्या है, इसकी जगह गैल्वानी सेल क्या है, ये भी आ सकता है। इसकी जगह वोल्टीय सेल क्या है, ये भी आ सकता है। इसकी जगह डेनियल सेल क्या है, ये भी आ सकता है। तो विद्युत रासायनिक सेल क्या है, इस तरह का यदि आपका 5 अंक का प्रश्न आया, तो उस प्रश्न को आप किस तरह से हल करेंगे कि आपको पूरे 5 अंक प्राप्त हो जाए। तो देखिए आप कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कि ये सेल करता क्या है। अब विद्युत रासायनिक सेल है, तो ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो नोट करते चलिए, पॉइंट में नोट करते चलिए, फिर आप उसको डिटेल में लिख सकते हैं। तो जब आप इसका उत्तर लिखेंगे, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि यह सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नोट कर लीजिए, आप नोट करेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो आपने ये लिख लिया
जी यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि इस सेल में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो इस सेल में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? रिडॉक्स अभिक्रिया। तो आप अगली चीज लिखेंगे कि इस सेल में रिडॉक्स अभिक्रिया हो रही है। अब रिडॉक्स अभिक्रिया अब उसको आप फिर एक्सप्लेन करेंगे कि रिडॉक्स में क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होते हैं। इसके बाद चूंकि आपसे पूछा गया है विद्युत रासायनिक सेल, तो इसके अन्य नाम भी बता देंगे। किसे गैलवानी सेल भी कहते हैं, इसे वोल्टीय सेल भी कहते हैं, और इसका उदाहरण डेनियल सेल भी है। तो ये नाम भी आप बता देंगे। उसके बाद आप अब यहाँ पर बताएंगे कि इसमें दो पात्र होते हैं। एक पात्र में क्या होता है? जिंक की छड़ डूबी रहती है जिंक सल्फेट में। और इस पात्र में क्या होता है? जिंक जो है इलेक्ट्रॉन त्यागता है और जिंक आयन बनाता है। तो इसको आप एक्सप्लेन करेंगे कि जिंक की छड़ डूबी रहती है जिंक सल्फेट में और इस पात्र में जिंक जो है इलेक्ट्रॉन त्यागता है। चूंकि जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो जिंक आयन बनाएगा। अब आप इसको फिर आगे एक्सप्लेन करिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, इसीलिए यह क्रिया हो गई ऑक्सीकरण। यहाँ पर आपने ऑक्सीकरण बता दिया और जैसे ही आपने ऑक्सीकरण बताया वैसे ही आप कहेंगे चूंकि इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है इसीलिए यह एनोड का काम करता है। तो यहाँ पर आप इसको एनोड भी बता देंगे। और उसके बाद चाहे तो आप ये रिएक्शन लिख लीजिए, जिंक ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है जिंक आयन और दो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ लिख दिया ऑक्सीकरण। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लवण सेतु से होते हुए जाएंगे दूसरे पात्र में। दूसरे पात्र में कॉपर की छड़ डूबी हुई है कॉपर सल्फेट में। चूंकि ये लवण सेतु से होते हुए जाएंगे विलयन में, तो विलयन में होंगे कॉपर आयन। तो कॉपर आयन क्या करेंगे? जैसे ही इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचेंगे तो कॉपर आयन इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेंगे और कॉपर में बदल जाएंगे। चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं और हमें मालूम है कि वह क्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं अपचयन कहलाती है, तो आप सीधे इसका नाम लिख दोगे अपचयन। जैसे लिखा तो हमें मालूम है कि वह इलेक्ट्रॉन जिस पर अपचयन की क्रिया होती है वह कैथोड कहलाता है। तो आप यहाँ लिख देंगे कि यह किसका काम करेगा? कैथोड का काम करेगा। तो इस तरह से आप पूरा एक्सप्लेन करते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब आप कहेंगे कि चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होना शुरू हो गया तो धारा का उत्पन्न होना क्या है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तभी तो धारा उत्पन्न होती है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगा जिंक से कॉपर की ओर, तो सेल में धारा उत्पन्न हो जाएगी। और धारा की दिशा क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत। इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं जिंक से कॉपर की ओर, तो धारा प्रवाहित होगी कॉपर से जिंक की ओर। तो आप लिख देंगे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है अतः धारा उत्पन्न हुई, और धारा उत्पन्न हो गई तो रासायनिक ऊर्जा बदल गई विद्युत ऊर्जा में। तो ये अपना हो गया विद्युत रासायनिक सेल। फिर उसके बाद चूंकि 5 अंक का प्रश्न है तो आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा। तो आप चित्र बनाएंगे। जब आप चित्र बनाएंगे आप सिंपल सा चित्र बनाइए। आप एक पात्र ले लीजिए, उस पात्र में एक छड़ ले लीजिए जिंक की और जिंक सल्फेट का विलयन ले लीजिए। ये आपकी किसकी छड़ है? जिंक की छड़। आप यहाँ लिख दीजिए जिंक की छड़। ये एक पात्र हो गया आपका, आपने जिंक सल्फेट भर दिया, ये एक छड़ लगा दी। फिर एक दूसरा पात्र बनाइए, इसी तरह से एक छड़ ले लीजिए, कॉपर की छड़ लिखेंगे, ये कॉपर की छड़ हो गई और आपने विलयन भर दिया कॉपर सल्फेट, हो गया। अब दोनों विलयनों को जोड़ना है, तो दोनों विलयनों को हम किससे जोड़ते हैं? लवण सेतु से। लवण सेतु एक कांच की बनी हुई नलिका रहती है जिसमें पोटेशियम क्लोराइड या KNO3 का विलयन भरा रहता है। लवण सेतु की विशेषता क्या रहती है? कि यह अपने में से इलेक्ट्रॉनों को जाने देता है और किसी को जाने नहीं देता। अब आपने कहा कि यहाँ पर जैसे ही आपने ये व्यवस्था जमाई तो जिंक की छड़ इलेक्ट्रॉन त्यागने लगती है। जिंक की छड़ ने इलेक्ट्रॉन त्यागे, अब ये इलेक्ट्रॉन आ गए विलयन में, विलयन से आए लवण सेतु में, लवण सेतु से होते हुए गए जिंक के पात्र में। चूंकि जिंक के पात्र में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ विलयन में पहुंचेंगे और विलयन में कॉपर आयन है क्योंकि कॉपर सल्फेट टूटा हुआ है अपने आयनों में,
तो कॉपर आयन इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेंगे और जैसे ही इनको ग्रहण करेंगे कॉपर में बदल जाएंगे और जैसे ही ये कॉपर में बदलेंगे वो कॉपर जाकर छड़ पर जमा हो जाएगा। तो आपने देखा कि जिंक के पात्र में से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कॉपर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है जिंक से कॉपर की तरफ, तो धारा बहने लगेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तो धारा उत्पन्न हो जाएगी। परंतु धारा की दिशा क्या होगी? धारा की दिशा इसकी विपरीत हो जाएगी, धारा की दिशा हो जाएगी कॉपर से जिंक की ओर। अब आप इलेक्ट्रॉनों को नाम क्या दोगे? क्योंकि यहाँ पर जिंक की छड़ है और इस पात्र में इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, और हमने अभी पढ़ लिया कि वह इलेक्ट्रॉन जिस पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं ऑक्सीकरण क्रिया होती है और ऑक्सीकरण हमेशा एनोड पर होती है, तो ये जिंक की छड़ किसका काम करने लगेगी? एनोड का काम करने लगेगी क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। अब हम आते हैं कॉपर की तरफ। जब हम कॉपर वाले पात्र में आते हैं तो वहां हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, और हमने कहा कि वह क्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं अपचयन कहलाती है, और अपचयन हमेशा कैथोड पर होता है, तो कॉपर की छड़ बन गई कैथोड। तो कॉपर की छड़ कैथोड का काम करने लगी और जिंक की छड़ एनोड का काम करने लगी। ये तो हमने इलेक्ट्रोड बना दिए, परंतु अब ध्रुव कौन से बनेंगे? कौन धन ध्रुव होगा, कौन ऋण ध्रुव होगा? तो ध्रुव बनते हैं धारा की दिशा से। धारा हमेशा धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की तरफ बहती है। हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं जिंक से कॉपर की ओर, तो धारा बहेगी कॉपर से जिंक की ओर। चूंकि धारा कॉपर से बह रही है तो कॉपर हो गया धन ध्रुव, और किसकी तरफ जा रही है? जिंक की तरफ, तो जिंक हो गया ऋण ध्रुव। तो इस तरह से ध्रुव भी बन गए आपके और इलेक्ट्रोड भी बन गए। अब यहाँ पर लवण सेतु का काम क्या है? लवण सेतु क्या करता है? दोनों को जोड़ने का काम करता है। सेतु मतलब ब्रिज, ये परिपथ को पूरा करता है क्योंकि दोनों पात्र अलग अलग रखे हैं। यदि हम दोनों पात्रों को जोड़ेंगे नहीं तो परिपथ पूरा नहीं होगा। जब परिपथ पूरा नहीं होगा तो धारा नहीं बहेगी। इसीलिए लवण सेतु का काम सिर्फ क्या है? परिपथ को पूरा करना, दोनों पात्रों को जोड़ना। आप अगर पूरे सेल की रिएक्शन देखेंगे कि कंप्लीट सेल की रिएक्शन क्या है, सेल की पूर्ण अभिक्रिया क्या है, ये तो जो आपने देखी है अर्ध सेल अभिक्रिया थी। जिंक के पात्र में जिंक की क्रिया, कॉपर के पात्र में कॉपर की क्रिया। जिंक के पात्र में इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे थे, कॉपर के पात्र में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे थे, परंतु अब तो पूरा सेल बन गया, तो सेल की पूरी अभिक्रिया क्या होगी? सेल की पूरी अभिक्रिया यदि आप जोड़कर लिखोगे तो जिंक, आप लिखोगे Zn प्लस कॉपर आयन। जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए किसको? कॉपर आयन को। और फिर एरो के बाद लिखोगे जब जिंक ने कॉपर आयन को इलेक्ट्रॉन दिए तो जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो जिंक बदल गया आयन में और कॉपर बदल गया उदासीन में, तो कॉपर के ऊपर जीरो आ जाएगा, जिंक आयनित हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये क्रिया पूरी हो जाएगी। आप इसको यदि और आप समझाना चाहो तो और आप समझा सकते हो, क्योंकि 5 अंक का क्वेश्चन है। आप कह सकते हो जिंक का घुलना ऑक्सीकरण है, एनोड पर हो रहा है, कॉपर छड़ पर कॉपर चढ़ रही है, अपचयन हो रहा है कैथोड, जिंक छड़ ऋण ध्रुव का काम, कॉपर छड़ धन ध्रुव का काम, और इस तरह से सेल की पूरी अभिक्रिया। तो इतना जब आप पूरा लिख लोगे तो 5 नंबर का आपका प्रश्न पूरा हो जाएगा। इसी तरह से आपके जो भी प्रश्न आते जाए उनको आप पूरी तरह से हल करिए। तो इसमें और प्रश्न भी आपके आ सकते हैं। शुष्क सेल वाला आ सकता है, शुष्क सेल की क्रियाविधि का वर्णन करिए, तो वहां पर भी आप चित्र बनाएंगे और पूरी क्रियाविधि इस प्रकार से लिखेंगे। आणविक चालकता, तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकता, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। जो मैंने अभी आपको बताया उसको आप फुल क्वेश्चन के रूप में हल कर सकते हैं। संचारण पूछा जा सकता है, संचारण को भी आप लिख सकते हैं। गैल्वानी सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर आ सकता है, उसको भी आप लिख सकते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पूछा जा सकता है, उसे भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से यदि फुल क्वेश्चन आए तो उनको भी आप हल कर सकते हैं, वस्तुनिष्ठ को भी आप हल कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने विद्युत रसायन के बारे में देखा कि प्रश्न किसी भी स्वरूप में आए उनको हम पूरी तरह से हल करके पूरे पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई समस्या है बच्चों? आप लोग परीक्षा की तैयारी अच्छे से करिए और परीक्षा में अच्छे नंबर लाइए। आप सभी को
परीक्षा के लिए शुभकामनाएं, और अगर कोई भी आपको समस्या है तो आप अपनी समस्या पूछ सकते हैं। नमस्कार।